जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर एक चित्र है, देखिए ध्यान से समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं, एक ये और एक ये, जिसको हमने एक्स और वाई नाम दिया है, ठीक है। ये दो प्लेटें आपका है, तो अब क्या है, इसको मैंने क्या, ये जो है विद्युत रोधी स्टैंड से लगी हुई है, प्लेट वाई को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, देखिए यहां पर पृथ्वी से, ठीक है। और प्लेट एक्स और प्लेट वाई के जो बीच की दूरी है उसको हमने डी माना है, ठीक है, कितना है वो डी है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूर पर दो विद्युत रोधी स्टैंड, देखिए विद्युत रोधी स्टैंड है, इस पर लगी है, ठीक है। अब देखिए ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं, देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, तथा इनके बीच के स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है, यानी कि इसका जो बीच का स्थान है इसमें वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा हुआ है, इसको मैंने येलो कलर से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए चित्र में एक्स और वायु धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, यानी कि दोनों में प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वो ए है, ठीक है, ए मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी देखिए डी है, कितना है डी, समझ में आया। और माना कि प्लेटों के बीच के माध्यम निर्वात या वायु है। अब देखिए क्या करेंगे, माना कि प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, देखिए इस प्लेट एक्स को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण द्वारा इसके सामने वाले प्लेट वाई के भीतर तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मैंने संधारित्र में बताया, देखिए प्लेट ए को हमने धन आवेश दिया किसी वैद्युत मशीन द्वारा, तो क्या होगा, जो प्लेट वाई है इस पर ऑटोमेटिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, प्रेरण के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, ये देखिए पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तथा इसके बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा, यानी कि जो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न हुआ था प्रेरण के द्वारा, वो इस पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस धन आवेश को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर धन आवेश नहीं लिया है, ठीक है। अब देखिए प्लेट एक्स से चलने वाली सभी बल रेखाएं, जो प्लेट एक्स से चलने वाली बल रेखाएं यहाँ पर मैंने पॉइंट से दिया है, ठीक है, वो प्लेट वाई पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में विद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा लिखना है, एक्स और वाई दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी डी मीटर है, माना कि प्लेट ए के बीच माध्यम निर्वात या वायु है, ठीक है। अब देखिए एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादर के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक मैंने निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं आप चैप्टर वाइज पढ़िए, ताकि क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादर के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बताया था ई इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहां सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर के है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ठीक है कि माना कि प्लेट पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ई इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू है तथा क्षेत्रफल ए है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, आवेश के पृष्ठ घनत्व का, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा का मान समीकरण एक में रखेंगे, देखिए यहां पर जो सिग्मा है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए है, तो हम सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए रख देंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, लिखिए सिग्मा का मान, सिग्मा का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या होगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए इस सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए रख देंगे तो आपका हो जाएगा क्यू अपान ए अपान के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका E इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
अब देखिए हमें लिखना है कि माना कि दोनों प्लेटों, माना कि दोनों प्लेटों के बीच ठीक है, के बीच विभवांतर V है। ठीक है, मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, V है, तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी d मीटर है। ठीक है, तब प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखिए, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, माना कि दोनों प्लेट, जो संधारित्र की दोनों प्लेटें थी, उनके बीच विभवांतर, यानी कि जो आपका ये संधारित्र है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V हो, तथा इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए मैंने यहां पर लिखा D है, तब इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू वी अपान डी। तब V इक्वल टू क्या होगा, सभी को बताया V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E इंटू डी का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा E इंटू डी। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, क्या है? समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब E का मान समीकरण 4 में रखेंगे, यानी कि जो हमने E निकाला था, ये देखिए Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, इस E का मान हम यहां पर रख देंगे, इस E के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो आपका आपको लिखना है E का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो इसका मान जब हम रखेंगे तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए E की वैल्यू ऊपर दी गई है, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू QD अपान QD अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, सी से। ठीक है, सी इक्वल टू होता है Q अपान V। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, इस V की वैल्यू यहां पर लाकर पुटअप कर देना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, देखिए यहां पर V की वैल्यू यहां पर ले आना है, V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा। अब देखिए C इक्वल टू क्यू अपान V होता है, तो Q और इस V को यहां पर V की वैल्यू रख देंगे, हमारा ये फॉल्व हो जाएगा व्यंजक। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं C इक्वल टू, देखिए Q आपका ऐसे ही रहेगा, V के स्थान पर हम इसको रख देंगे QD अपान KA एप्सिलॉन नॉट, तो QD अपान KA एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, C इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर का गुणा होगा सबसे नीचे से, तो आपका हो जाएगा Q इंटू KA एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा QD, तो ये हो जाएगा QD। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे से होगा, QD और Q के नीचे एक है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो QD बचेगा। ठीक है, यहां से कुछ नहीं करना है, Q से Q कैंसिल कर देना है, तो हमारा आ जाएगा C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अभी तो हमने परावैद्युतांक के लिया था, अब मान लीजिए जो आपका संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, वो निर्वात या वायु में हो, तो निर्वात या वायु के लिए ठीक है, निर्वात या वायु के लिए हम के की वैल्यू कितनी रखते हैं, के की वैल्यू एक रखते हैं, तो यहां पर हमारा आप क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, A एप्सिलॉन नॉट अपान
डी, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, आप लोग यहां पर फैराड रख दीजिएगा अंदर, फैराड धारिता का मात्रक फैराड, ठीक है। तो यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ए क्या है, ए है दोनों प्लेटों के बीच जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आप कह सकते हैं समांतर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, और डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा व्यंजक, प्रूफ हो चुका है, यह आपको समझ में आ चुका होगा।